तो आज की जो हमारी क्लास है पीएचपी की, इसमें हम पीएचपी का इंस्टॉलेशन पार्ट देखेंगे। पीएचपी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए पीएचपी का यूज किया जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में वेब डेवलपमेंट भी कहा जाता है। वेब डेवलपमेंट या डायनेमिक पेज डेवलपमेंट के लिए या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए पीएचपी का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ टूल्स के नाम लिखे हुए हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे HTML, CSS, JavaScript, Ajax, XML, JSON, jQuery। तो पीएचपी अगर आपको करना है तो पीएचपी का इंस्टॉलेशन कैसे करना होगा, आइए देखते हैं पीएचपी का इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स। पीएचपी का इंस्टॉलेशन आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। पीएचपी के लिए सर्वर के सॉफ्टवेयर आते हैं, इसके पैकेजेस आते हैं, जैसे कुछ पैकेजेस के नाम आपको दिए हुए हैं, वैम्प और जैम्प का भी पैकेज आता है। वैम्प सर्वर और जैम्प सर्वर जो है विंडोज के लिए आपके मिलेंगे, लैम्प सर्वर जो है लाइनेक्स के लिए है, मैक के लिए मैप सर्वर है, और सैम्प सर्वर सोलारिस, अलग अलग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग पैकेज बने हुए हैं, और ये पैकेज जो है आपको सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसके हिसाब से आप अपना पैकेज जो है कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैम्प और वैम्प विंडोज के लिए, अगर लाइनेक्स है तो लैम्प, और इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन जो पीएचपी का कोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होती है, यानी पीएचपी का जो कोड होगा सारे सर्वर पर एक ही कोड रन होगा, एक ही कोड आप सारे सर्वर पर रन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अगर विंडोज पर जैम सर्वर का इंस्टॉलेशन देखें, तो हमने जैम सर्वर का सेटअप अगर डाउनलोड किया है तो इस जैम सर्वर के सेटअप में हमको कई चीजें मिलती हैं, जैसे अपाचे का सर्वर मिलता है, MySQL का डेटाबेस सर्वर मिलता है, PHP का सर्वर मिलता है, पर्ल का सर्वर मिलता है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है। जैम सर्वर डाउनलोड करने से हमें चार पांच चीजों को एक साथ हम यूज कर सकते हैं। तो या तो हम इसको अलग अलग इंस्टॉल करें या सबको एक साथ इंस्टॉल करके एक पैकेज में उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक पैकेज बना हुआ है जैम। तो जैम सर्वर को अगर हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज में, तो उनके क्या क्या स्टेप्स हैं आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि अगर हमें अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जैम सर्वर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहला स्टेप है कि जैम सर्वर का जो पैकेज है वो हमें डाउनलोड करना होगा। तो आप आसानी से गूगल पर इसे सर्च कर सकते हैं, और इसके कई सारे वर्जन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जो वर्जन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सूट करता है उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, 32 बिट और 62 बिट के अकॉर्डिंग, और ये फाइल लगभग 150 MB की है। अगला जो स्टेप है, स्टेप 2, इसमें आपको सेटअप को रन करना है। सेटअप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे ही आप उस डाउनलोडेड फाइल को रन करेंगे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली जो स्क्रीन डिस्प्ले होगी उसमें आपको सर्वर के लिए कुछ ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसे आपको टॉम कैट नहीं चाहिए, टॉम कैट जो है वो भी एक सर्वर सॉफ्टवेयर है, और ये JSP के लिए होता है, जावा सर्वर पेजेस के लिए। तो JSP का भी सर्वर आपको इसमें मिलेगा काफी, और फाइलजिला जो है आपका FTP सर्वर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्वर है। उसके बाद मर्करी जो है आपका मेल सर्वर है। तो इसमें कई सारे सर्वर्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं। अगला जो स्टेप है, इसमें हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो जैम सर्वर का जो भी फाइल होगी वो कौन से लोकेशन पर स्टोर होगी। तो ये जैम सर्वर की फाइल यहाँ बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जैम नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे दिए हुए ब्राउज नाम के बटन से। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन चेंज करके DE या किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं।
इसके बाद अगला जो स्टेप होगा उसमें आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर कुछ लर्निंग के लिए, लर्निंग से संबंधित कुछ URL भी दिए जाएंगे कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर आप यहाँ पे टिक करेंगे तो उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आपको वेब पेज डिस्प्ले किया जाएगा। इसको सेलेक्ट कर भी सकते हैं और ये ऑप्शनल है। आप इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन अगला जो ऑप्शन है इसमें आपको इंस्टॉलेशन के लिए आगे की अनुमति मांगी जाएगी, और आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सर्वर का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद उनकी जो प्रोग्राम्स फाइल है वो आपके कंप्यूटर में कॉपी की जाएगी। इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको मैसेज दिखेगा कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और आप कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप, ये भी ऑप्शनल है, आप इस पर टिक कर देंगे तो कंट्रोल पैनल बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा फिनिश बटन पे क्लिक करते ही, और कंट्रोल पैनल जो है वहां से आप अपने सर्वर की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल कैसा दिखेगा वो भी देख लेते हैं। फिनिश पर क्लिक करते ही आपको लैंग्वेज पूछी जाएगी, आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए USA को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे सेव कर देंगे, क्योंकि ये सर्वर सॉफ्टवेयर है इसलिए अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ये उपलब्ध है। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका उस XAMPP का कंट्रोल पैनल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाईलाइटेड एरिया जो दिख रहा है ये आपका अपाचे का सर्वर है, MySQL, FileZilla, Mercury और Tomcat का सर्वर है। आप इन सर्वर की सर्विसेज यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, एडमिन कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनका लॉग चेक कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हैं। यानी आपकी जो सर्वर की सर्विसेज है उसकी पूरी कंट्रोलिंग आप इस कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ सर्विसेज के स्टेटस दिखाए जाते हैं, उनकी प्रोसेस ID दिखाई जाती है, उनके पोर्ट नंबर दिखाया जाता है कि कौन से पोर्ट नंबर को इस सर्वर ने रिजर्व करके रखा है, और उस पे होने वाली सारी एक्टिविटी की लॉग यहाँ पर डिस्प्ले की जाती है। तो ये कंट्रोल पैनल है जिससे आप अपने सर्वर की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सर्वर का जो अपाचे और MySQL का डेटाबेस सर्वर है दोनों को स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो बटन है इसमें स्टॉप का ऑप्शन दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, मतलब सर्वर जो है सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिव हो चुका है दोनों का सर्वर। और ये जो प्रोसेस ID यूज कर रहे हैं ये लोग, और दोनों की प्रोसेस ID यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ये जो अपाचे सर्वर है वो दो पोर्ट को रिजर्व कर लिया है, 80 और 443। आपको ये बता दूं कि पोर्ट नंबर जो है कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए रिजर्व है, जैसे कि 80 नंबर का जो प्रोटोकॉल है वो HTTP के लिए रिजर्व है। यानी कि अपाचे सर्वर जो भी काम करेगा वो HTTP के थ्रू करेगा, यानी इसका जो आउटपुट होगा वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा सेंड किया जाएगा, यानी कि HTML फाइल होगी। और MySQL जो है उसने 3306 नाम का पोर्ट नंबर रिजर्व किया है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ये है जो डेटाबेस सर्वर के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप FileZilla यूज करेंगे तो FileZilla आपको पता है कि ये FTP का सर्वर है, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए जो पोर्ट नंबर रिजर्व किया गया है वो है 20 और 21, डाउनलोडिंग के लिए और अपलोडिंग के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर है। इसीलिए आप अपने कंप्यूटर में एक साथ डाउनलोडिंग भी कर पाते हैं और अपलोडिंग भी कर पाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पोर्ट नंबर से होता है और डेटा आपका क्लैश नहीं होता है। एक ही फाइल को आप डाउनलोड करिए और उसी फाइल को आप अपलोड भी करिए, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि दो पोर्ट नंबर यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो ये था आपका XAMPP का इंस्टॉलेशन विंडोज पर, और इसको इंस्टॉल करने के बाद भी कुछ स्क्रीन्स आपको दिखाई जाएंगी। तो XAMPP इंस्टॉलेशन के बाद अब बात आती है कि PHP के कोड को हम कैसे रन करेंगे। यहाँ पर हमने XAMPP सर्वर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पर या किसी मशीन पर इंस्टॉल कर लिया है। अब वो मशीन एज ए HTTP सर्वर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर या वेब सर्वर की तरह वर्क करने लगेगी, और आपको अगर इसे पूरी तरीके से पब्लिश करना है तो इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी दे करके, स्टैटिक IP एड्रेस लेकर के, और अपने सर्वर को जो है वेब सर्विसेज के द्वारा या ISP के द्वारा उसको रजिस्टर करा करके
आपको इसे वेबसाइट को चलाना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि पीएचपी के कोड को, छोटे से कोड को हम सर्वर पे कैसे रन करेंगे। तो इसका एक प्रोसेस है, सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हमें पीएचपी का कोड लिखना होता है। पीएचपी का कोड लिखने के लिए पीएचपी टैग्स होते हैं, जो टैग यहाँ पर दिख रहे हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इन टैग के बीच में आप कोई भी अपना पीएचपी का कोड यहाँ पर राइट कर सकते हैं। पीएचपी का कोड 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन 1000 लाइन का भी हो सकता है। और ये जो टैग है, पीएचपी का जो कोड है, वो एचटीएमएल के साथ एम्बेड हो जाता है। यानी एचटीएमएल के कोड के साथ पीएचपी के टैग या पीएचपी टैग के सेगमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। पीएचपी टैग के सेगमेंट्स ऐड करने के बाद आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि पीएचपी का कोड अगर आपके फाइल में लिखा हुआ है एचटीएमएल फाइल पर, तो जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो .php होगा। अगर आप इसे HTML से सेव कर देते हैं तो PHP का जो कंपाइलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो हमेशा याद रखिए कि PHP की जो फाइल, अगर आप अपने HTML फाइल में PHP का कोड एम्बेड करते हैं, तो उस फाइल को .php नाम से ही सेव करना पड़ेगा, या फिर PHP का कोड अलग से लिखिए और उसको लिंक कर दीजिए। तो पहला तो ये तरीका था कि PHP का टैग लगाना, और PHP के टैग लगा के उनके बीच में हमें PHP का कोड करना होगा, फाइल को .php नाम से ही सेव करना होगा। यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो फाइल तो क्रिएट हो गई, अब इस फाइल को हमें डिप्लॉय करना होगा या फिर होस्ट करना होगा लोकल होस्ट में। वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सैंपल कोड लिखा हुआ है, जिसमें HTML टैग और बॉडी टैग यहाँ पर ओपन और क्लोज किए गए हैं। इसके बीच में यहाँ पर देखिए PHP का कोड, 1 लाइन का कोड लिखा गया है। PHP टैग को ओपन किया गया है और PHP टैग को क्लोज किया गया, और यहाँ पर 1 लाइन का कोड लिखा गया है। यहाँ पर इको कमांड यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। तो PHP का जो आउटपुट होता है वो हम इको कमांड या प्रिंट कमांड, दो कमांड है, इको और प्रिंट, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। जनरली इको का यूज किया जाता है। इको के बाद हम किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं डबल कोट के द्वारा, और PHP के स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से इंडिकेट करते हैं कि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैंने इको के बाद H2 यानी H2 हेडिंग टैग, जो HTML का कंपोनेंट है, उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर दिया है। यानी इस इको का जो आउटपुट होगा वो होगा H2 एंगुलर ब्रैकेट में हेलो फर्स्ट PHP और H2 क्लोज। लेकिन जो ये ट्रांसफर किया जाएगा, ये जो आउटपुट ट्रांसफर किया जाएगा, वो HTTP के फॉर्म में प्रोटोकॉल से किया जाएगा, और ये वेब पेज पर जब डिस्प्ले होगा तो H2 जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि H2 एक टैग है HTML का, तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा और आउटपुट जो है वो थोड़ा बोल्ड और बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम PHP का जो आउटपुट होता है उससे HTML को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। आगे देखते हैं कि PHP के फाइल को हम XAMPP में कैसे रन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि हमारे पास PHP का कोड लिखने के लिए कुछ एडिटर्स यहाँ पर हैं। इन कुछ एडिटर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीमवीवर, और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं। ये कुछ कॉमन या सबसे इजी तरीके से यूज होने वाले एडिटर्स हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आप अपने PHP का कोड लिखेंगे, कोड को .php एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप .php से सेव नहीं करते हैं तो आपको वो चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। और PHP को इस नाम से स्टोर करने के बाद आपको उस फाइल को इस फोल्डर पर डिप्लॉय करना है। याद रखिए XAMPP सर्वर में आप जब एक्सप्लोरर में जाएंगे तो वहां पर आपको htdocs नाम से एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आपको डिप्लॉय करना है। इस फोल्डर के अंदर आप डिप्लॉय करेंगे तो फिर वो वेब ब्राउजर से लोकल होस्ट द्वारा एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने p1.php नाम की फाइल बनाई है, तो और आपका XAMPP सर्वर डी ड्राइव में इंस्टॉल है, तो डी ड्राइव के htdoc में आप जाएंगे और वहां पर आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर बना करके उसके अंदर डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने के बाद आप उस प्रोग्राम को वेब ब्राउजर के थ्रू सर्वर स्टार्ट करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं।
वहां पर सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ज़ैम्प में उस सॉरी लोकल होस्ट में उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपको ज़ैम्प सर्वर का कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना है और अपाचे और MySQL की सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे कंट्रोल पैनल से, यानी आपका सर्वर जो है वो चालू हो जाएगा। चूंकि आपका जो वेब ब्राउजर है और जो सर्वर सॉफ्टवेयर है एक ही कंप्यूटर पर है, इसलिए आप यहाँ पर लोकल होस्ट का यूज करेंगे। लोकल होस्ट जो होता है सेम कंप्यूटर की आईपी को पर रीडायरेक्ट करता है, यानी कि आप सेम अपने ही कंप्यूटर की आईपी को हिट करेंगे और वहां के एचटी डॉक से इस फाइल की रिक्वेस्ट करेंगे। ये सेम उसी तरीके से हो गया जैसे हम अपने नंबर से ही अपने मोबाइल पर रखे हुए दूसरे नंबर पे मैसेज भेजते हैं, तो सेंडर भी हम ही होते हैं और रिसीवर भी हमें होते हैं। पहले सिम से मैसेज जाता है और दूसरे सिम पर रिसीव होता है। ये उसी प्रकार का हमारे सेम नंबर पर ही सेम आईपी पर ही हिट होगा यहाँ पर, और आप अपनी फाइल का नाम जो लिखेंगे उस नाम से यहाँ पर आपको आउटपुट ब्राउजर पर दिखाई देगा, और आउटपुट में आपके पीएचपी के कोड डिस्प्ले नहीं होते बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दिखाई देता है। अगला एक और पॉइंट है कि पीएचपी की केस सेंसिटिविटी को जांचने के लिए या पीएचपी का जो केस सेंसिटिव है कि नहीं उसे भी देखा जा सकता है। पीएचपी कुछ मामले में केस सेंसिटिव है और कुछ मामलों में केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि पीएचपी के जो कीवर्ड्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये आपके जो है केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि आप इको को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इको जो है वो आप कैसा भी लिखिए वो वर्क करेगा, और देखिए तीनों का आउटपुट आएगा, यानी कि जो इको कमांड है वो केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि सारे वेरिएबल के नाम वगैरह जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो वहां पर आपको कुछ चीजों में ध्यान देना है कि कुछ चीजें जो है केस सेंसिटिव हैं और कुछ चीजें केस सेंसिटिव नहीं है। तो पीएचपी की जो केस सेंसिटिविटी है यहाँ तक हमने अभी देखा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेरिएबल का नाम जो है वो पूरी तरीके से केस सेंसिटिव होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पीएचपी का कोड है और यहाँ पर डॉलर के साथ जो लिखा हुआ है इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसा कि आपने दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा सी सी प्लस प्लस या जावा में, वहां पर वेरिएबल हम इंट आई या फ्लोट बी ऐसा बनाते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स में डेटा टाइप को हमें लिखना नहीं पड़ता है, इम्प्लिसिट कन्वर्शन हो जाता है या इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हो जाता है। वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ता है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है डॉलर कलर, और कलर में यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। लेकिन जब मैं इको के साथ इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है कॉनकेटिनेशन करने के लिए। इको के साथ अगर कॉनकेटिनेशन करना है, मैं फिर से बता दूं कि एक और एक को अगर हम प्लस करते हैं तो टू होते हैं, इसको हम एडिशन बोलते हैं। एक और एक को हम ऐड जोड़ेंगे और 11 हो जाए तो इसको हम कॉनकेटिनेशन बोलते हैं। तो ये माई कार इज और उसके बाद जो कलर लिखा हुआ है वो कॉनकेट हो जाएगा, और उसके बाद बी आर लिखा हुआ है लाइन चेंज करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने वेरिएबल का जो नाम बनाया था वो पूरा स्मॉल में था, यहाँ पर मैंने ये कैपिटल कर दिया, यहाँ पर पूरा स्मॉल में है और ये पूरा कैपिटल कर दिया, यानी कि ये वाली जो लाइन है उसमें करेक्ट है, पहली लाइन और तीसरी लाइन जो है वो इनकरेक्ट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वेरिएबल का नाम है वो केस सेंसिटिव है, यानी सिर्फ इसका आउटपुट आएगा, पहली लाइन और थर्ड लाइन का जो आउटपुट है वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि माई डॉग इज ब्लैक, इसका ही आउटपुट आ रहा है, जबकि माई कार इज यहाँ तक करेक्ट था, यहाँ से एरर आया, इसको उसने छोड़ दिया, इस हिस्से को वो छोड़ देगा। क्लियर है? तो वेरिएबल का जो नाम है वो पूरी तरीके से केस सेंसिटिव है, जबकि कीवर्ड्स, फंक्शन के नेम, आइडेंटिफायर्स, ये सब केस सेंसिटिव नहीं है। तो पीएचपी में आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें केस सेंसिटिव है और कुछ चीजें केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए इसको लूज लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने देखा यहाँ तक कि केस सेंसिटिविटी के बारे में। इसके बाद आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।